हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे की बम्पर भर्ती निकली हुई है। 1.3 लाख वैकेंसीज, मतलब कि 1,30,000 के आसपास वैकेंसियाँ निकली हुई हैं रेलवे में। तो इनके बारे में आपको बताऊँगा मैं फुल डिटेल में। तो ये मेरी वेबसाइट है jobkinews.com, यहाँ से आप हर प्रकार की भर्ती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी इस वेबसाइट को डे टू डे अपडेट करता रहूँगा आपके साथ। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में सभी प्रकार की भर्तियों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें दोस्तों नॉन टेक्निकल भर्ती के बारे में बताना चाहूँगा आपको रेलवे की। इस कैटेगरी के अंदर आपको दोस्तों जो आपकी वैकेंसीज होंगी वो होंगी जूनियर क्लर्क की, और ये कम टाइपिस्ट हैं, और अकाउंट मैनेजिंग और टिकट क्लर्क जिसको, और बाकी टीटी वगैरह की भी हैं, और गुड्स गार्ड सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और इसके बाद बाकी आप इसकी जो अप्लाइंग डेट है वो बताता हूँ आपको। आप वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन में देख लेना, 28/2/2019 से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद बात करें पैरामेडिकल, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, स्पेशल स्टाफ नर्सिंग के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लेना, इसकी जो अप्लाइंग डेट है वो होगी आपकी 4/3/2019, तो 4 मार्च 2019 से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर दोस्तों आपकी वैकेंसीज आती हैं, वो आती हैं आपकी जूनियर ट्रांसलेटर और आपके चीफ लॉ असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। तो इसकी डेट होगी वो आपकी 8/3/2019 से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लेवल 1 की भी पोस्ट हैं यहाँ पे, इसके अंदर आप ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 और हेल्पर के तौर पर आप ये वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कर सकते हैं आप 12/3 से। और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी लेवल 1 पोस्ट की हैं, 1,00,000 वैकेंसीज। और आपकी जो नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर हैं जो यहाँ पे हैं, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये है जो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30,000 के आसपास वैकेंसीज हैं आपकी, जो कि मैंने आपको वैकेंसीज की ऊपर बता दिया है कैटेगरी। और आप इनको नीचे दिखाऊंगा कि आप PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। तो 30,000 वैकेंसी है ये मिनिस्ट्रियल। इसके बाद बात करते हैं एज की, तो एज की आपको जिस हिसाब से आपकी आएगा नोटिफिकेशन उसी हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, और एज जो अलग अलग कास्ट हैं उसके हिसाब से डिवाइडेड है। और अब की बात जो जनरल कैटेगरी की 10% कोटा वाली है, उसके भी आपको बेनिफिट मिलेंगे, जो 10% कोटा दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जो आरक्षित रूप से दिया गया है, कि मतलब जो आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से दिया गया है आपको, जो आपको 10% दिया जाएगा। इसके अंदर शायद एज की कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है आपको, बट आपकी वैकेंसीज अलग से होंगी, आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जाने वाली है जनरल के मुकाबले। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर मुझको टाइम मिलेगा तो। इसके बाद सैलरी वगैरह आप वहाँ पे जाके देख लेना, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हर एक नोटिफिकेशन अलग अलग से आएगा, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में आप देख सकते हैं जाके। और एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो दोस्तों 500 रुपये तो आपकी जनरल कैटेगरी और बाकी जो भी कैटेगरीज हैं उसकी होगी, उसमें से आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे आपके फर्स्ट स्टेज CBT होने के बाद। उसके बाद 250 रुपये आपके SC ST और ये एक्स सर्विसमैन है उसके लिए, और PWD इसके लिए 250 रुपये आपके पूरे के पूरे वापस कर दिए जाएंगे। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो वो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से होने वाला है, और आप इसको वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है जो अभी वो है नोटिफिकेशन, तो आप इस लिंक पर आप क्लिक करके जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर में, इस पर क्लिक करके आप इस लिंक को, आप इसके जो नोटिफिकेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट का, उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते ही आपका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लीज़ आप मेरी वेबसाइट को जाके विजिट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और बाकी इसके अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिले।